नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तरकाशी शहीद पार्क ग्यासू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के अदम्य साहस को और शौर्य को नमन किया गया। जनपद के शहीद जवान राइफलमैन दिनेश चंद कुमई के चित्र पर मालार्पण भी किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, डीएम अभिषेक रोहेला, एसपी अपर्णा यदुवंशी, दिनेश चंद कुमई की धर्मपत्नी अनिता देवी, सीएमओ के एस चौहान, मेजर आर एस जनमाल, तमाम लोग मौजूद रहे और सेना के शौर्य को सलाम करते हुए, नमन करते हुए आज नजर आए हैं। पीलीभीत में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर से 40 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया है। सोने के आभूषण, 3 लाख की नकदी सहित चोरों ने घर में हाथ साफ किया। बड़ी चोरी की वारदात होने से पुलिस गश्त पर सवाल निशान उठे हैं। सीओ, सहरामऊ थाना प्रभारी, डॉग स्क्वाड टीम सहित पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद भाजपाइयों ने पहुंचकर घटना के खुलासे की मांग उठाई है। 40 लाख की चोरी की घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सहरामऊ थाना क्षेत्र के गाँव सिंहपुर गाँव का एक पूरा मामला। श्रावस्ती में एसएसबी 62वीं वाहिनी ने तिरंगा रैली निकाली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। हर घर झंडा अभियान का एसएसबी ने प्रचार प्रसार किया। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को तिरंगा के बारे में जानकारियां दी। वैसाई नाका, सोनबरसा, सुहेलवा और पुखरपुरवा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बाइक नियंत्रित होकर सड़क हादसे का शिकार हो गई। बाइक सवार 2 युवतियों समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। युवतियों के हाथ पैर टूट गए हैं, जिसे वो गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने आनंदपानन में सीएससी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इकौना थाना क्षेत्र के मोहिनीपुर तराई की पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर की स्वाट टीम और थाना ककोल पुलिस द्वारा 22 वर्षीय अपहृत युवक चेतन को सकुशल ढूंढ लिया गया है। 4 अपहरणकर्ता दीपक उर्फ लवली, बबलू, अंशुल, सूरज को भी गिरफ्तार किया गया। थाना ककोल रोड कुटवाया के पास से 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए अपहृत युवक चेतन को सकुशल ढूंढ लिया गया है। प्रयागराज इलाहाबाद का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भव्य कलाकृति गंगा जी में देखने के लिए मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रयागराज की तस्वीरें। कारगिल विजय दिवस पर यह अनोखा सैंड आर्ट बनाया गया है। बता दें कि सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता का कहना है कि ये सैंड आर्ट बहुत ही अनोखा सैंड आर्ट है, क्योंकि ये सैंड आर्ट चारों तरफ गंगा जी के पानी से घिरा हुआ है। रेत पर बना इसमें एक टैंक, एक जवान शहीद और एक जवान घायल अवस्था में दिखाया गया है। ये कला देखने के साथ साथ गंगा जी का पानी चारों तरफ गिरे हुए होने के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो ये भव्य कलाकृति गंगा जी में तैर रही हो। इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बुलंदशहर के सदर विधायक प्रदीप चौधरी वायरल वीडियो में सड़क पर पड़े गंदे पानी को बाल्टी से निकालते हुए नजर आए। गंदगी के खिलाफ ऐसा कार्य पहले भी कई बार कर चुके हैं। सड़क से गंदा पानी साफ करने का सदर विधायक का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। स्थानीय लोगों की शिकायत सुन गंदगी स्थल पर सदर विधायक पहुंचे थे। जनपद बुलंदशहर की बीसा कॉलोनी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती में अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रयोगशाला में लेकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। एएसपी केसी गोस्वामी ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड सलामी का निरीक्षण किया। एएसपी ने परेड के दौरान सभी कर्मचारियों को पीटी कराई और योगासन कराया, कर्मचारियों को प्रेरित भी किया। बुलंदशहर में पुलिस आबकारी विभाग की मुस्तैदी के चलते शराब का जखीरा पकड़ा गया। शराब की पेटियों के ऊपर कबाड़ डालकर ये शराब ले जाई जा रही थी। चंडीगढ़ से कैंटर में शराब ले जा रहे थे शराब तस्कर। लाखों रुपए की शराब और बियर कंटेनर से बरामद की गई है। सिकंदराबाद NH91 स्थित बिलसुरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे। रघुनाथ पैलेस में मोदी @20 कार्यक्रम का प्रतिभाग करेंगे। 4 बजे धानीपुर ब्लॉक के ग्राम रोहिना सिंहपुर में अमृत सरोवर का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चीन के कब्जे से आधा दर्जन वाहन भी बरामद किए गए हैं। इन संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए शातिर चोर किस्म के थे, जिनके विरुद्ध चोरी के कई मामले दर्ज हैं। चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि उनके गैंग में और कितने सदस्य शामिल हैं और कहाँ कहाँ सक्रिय बने हुए हैं। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नायनपुर गांव में पाइप में बलेरो गाड़ी चढ़ने से बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 3 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मृतक किसान अपने खेत में पानी लगाया था, तभी गाँव का ही रहने वाला जितेंद्र बलेरो लेकर आया और पानी की पाइप के ऊपर चढ़कर पाइप फाड़ दिया, जिसका विरोध राम सनेही ने किया। तभी जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं फरार हत्यारोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शिवरात्रि के मौके पर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ अभियान को लेकर कांवड़ उठाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से कांवड़ लेकर कन्याओं को आगे बढ़ाने के अभियान के तहत यहां से पैदल ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची और वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के संकल्प के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी। रेखा आर्य ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर में जा जल अभिषेक करने जा रही है। वहाँ 1300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर बताया जाता है। देखिए, आज कांवड़ियों की शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में निश्चित रूप से जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने यह संदेश दिया कि वह शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति जो है वह शिव के बगैर अधूरी है, तो आज का ये संकल्प इस उद्देश्य के साथ में है, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए कि हमारे प्रदेश में अथवा हमारे देश में किसी भी प्रकार से हमारी कन्या जो जन्म लेने का अधिकार रखती हैं उन्हें जन्म लिया देना चाहिए और हम सब को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है स्वयं भी संकल्प लेना चाहिए कि नहीं हो और दूसरे को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। आज का संकल्प मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प। मैं समझती हूँ कि यह संदेश उत्तराखंड को देवभूमि के अतिरिक्त देवियों की भूमि बनाने की ओर अग्रसर करेगा। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने दिनदहाड़े 2 घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में ग्राम पिपलिया में चोरों ने कुलविंदर सिंह और कमलेश शर्मा के घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। क्षेत्र में कुलविंदर सिंह के द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनके किराए के घर से 65,000 रुपये और लगभग 2.5 तोला सोना गायब हुआ है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने कर लिया है। इस पर पुलिस टीम बनाकर इसमें हमने जांच भी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में इसमें 2 संदिग्ध हम पहचान में आ रहे हैं। अभी उनका और रूट ट्रैक करके और बाकी उनका CDR भी निकलवा कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें गिरफ्तारी करके माल की भी बरामदगी कर ली जाएगी। वाला एक प्रकरण आया था, उसमें मेरे द्वारा चौकिंग चार्ज को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके द्वारा कुछ इस तरह की बात बताई गई थी कि ट्रॉली छोड़कर उसका कहीं जाना आया था, तो इसमें जांच की गई है। अभी जांच के बाद ही इसमें स्पष्ट होगा कि वास्तविक घटना हुई है या नहीं, तो होने पर हम इसका मुकदमा पंजीकृत करें।
बुलंदशहर के थाना क्षेत्र शिकारपुर में बाराखंबा स्थित अमर ज्योति नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान खुशबू शर्मा के बच्चे की मौत हो गई। खुशबू के पति सत्यम शर्मा ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों ने डिलीवरी को लेकर डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बदेश्वरनाथ शिव मंदिर में कांवड़ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, जिस पर आईजीटीएम एसपी ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। बता दें कि कांवड़ भक्तों की सेवा के लिए जहां स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक व्यक्तियों ने लगातार सेवा भाव का प्रण लिया हुआ है, वहीं उस समय कांवड़ भक्तों ने योगी आदित्यनाथ की जयकार लगाने शुरू कर दिए, जब एक हेलीकॉप्टर कांवड़ भक्तों पर पुष्प वर्षा करने पहुंच गया। हेलीकॉप्टर को देख भोलेनाथ और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार से पूरा बदेश्वरनाथ शिव मंदिर गूंजयमान हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।